चैप्टर टू हम पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, और चैप्टर टू के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में लिपिड्स को स्टडी किया था, और लिपिड्स के अंदर हमने लिपिड्स के स्ट्रक्चर को देखा था, फिर हमने फैटी एसिड्स को देखा था, फैटी एसिड्स के मजीद हमने डिफरेंट एग्जांपल्स को पढ़ा था, एग्जांपल्स को स्टडी किया था, उसके अलावा हमने इसके स्ट्रक्चर को देखा था, डिफरेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज देखी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लिपिड्स को क्लासीफाई करेंगे, लिपिड्स की क्लासिफिकेशन को देखेंगे, और फिर उसके बाद हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उनकी क्लासिफिकेशन जो उसके डिफरेंट ग्रुप्स बन जाते हैं उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स को अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें, लिपिड्स हमने क्या पढ़ा था, लिपिड्स को हमने देखा था कि लिपिड्स जो हैं वो बेसिकली हेट्रोजीनियस ग्रुप है, एक डाइवर्स ग्रुप है फैटी एसिड्स का, और इनको हमने कहा था कि दे आर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब है? ये टर्म आप ऑलरेडी अपने बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ चुके हैं। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो जब भी यूज किया जाता है वाटर के लिए यूज किया जाता है। फोबिक का क्या मतलब है? फोबिक का वर्ड जो है वो फोबिया से निकला है। फोबिया आप जनरली जानते हैं फियर को, डर को, किसी भी चीज का डर। तो जब हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है, हाइड्रोफोबिक की टर्म यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसी चीजें जो कि पानी के अंदर डिजोल्व ना हो सके या पानी से डरती हो, डरने का मतलब हम लेते हैं इस तरह से कि वो पानी से दूर रहती हो, तो हम उनको कहते हैं हाइड्रोफोबिक है, यानी नॉट सोल्युबल इन वॉटर, पानी के अंदर ये सोल्युबल नहीं होते। तो लिपिड जो है वो पानी के अंदर सोल्युबल नहीं होते, ये सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ही सोल्युबल हो सकते हैं। जब हम इनको क्लासिफाई करते हैं तो हम डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, डिफरेंट तरह के हमारे पास ग्रुप्स आ जाते हैं लिपिड्स के, जिनके अंदर हम कहते हैं हमारे पास है एसाइलग्लिसरॉल्स, ग्लिसरॉल्स, देन वी हैव वैक्सेस है हमारे पास, फॉस्फोलिपिड्स, इसके अलावा हमारे पास है स्पिंजोलिपिड्स, हमारे पास है ग्लाइकोलिपिड्स, और ट्रेपिनॉइड लिपिड्स, और इसके अलावा ट्रेपिनॉइड लिपिड जो है मजीद दो कैटेगरी में हम इनको डिवाइड करते हैं। एक तो है हमारे पास कैरोटीनॉइड, और दूसरा हमारे पास है स्टीरॉइड्स को आप ऑलरेडी जानते होंगे, आपने नाम भी सुना होगा। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है लिपिड्स की। हम लिपिड्स को इस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एसाइलग्लिसरॉल, तो सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं एसाइलग्लिसरॉल क्या होता है। एसाइलग्लिसरॉल जो है वो हम कहते हैं कि एसाइलग्लिसरॉल हमारे पास बनता है जब भी हमारे पास फैटी एसिड्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं अल्कोहल के साथ, या फिर ग्लिसरॉल हम कहते हैं। ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल को हम अल्कोहल भी कहते हैं। तो जब भी हमारे पास फैटी एसिड्स कंबाइन करते हैं ग्लिसरॉल के साथ, तो हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं एसाइल ग्लिसरॉल। और ये एसाइल ग्लिसरॉल क्या है? ये एक लिपिड है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर इसका किस तरह का होता है, स्ट्रक्चर के लिए हमें इसकी एक एग्जांपल को डिस्कस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर हम एक रिएक्शन करवाएं जिसके अंदर हम अल्कोहल को रिएक्ट करवाएं किसी भी एसिड के साथ, तो हमने कहा कि हमारे पास एक एसाइल ग्लिसरॉल बनेगा। किस तरह से बनेगा कि एग्जांपल हम इस तरह से देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है C2H5OH, ये हमारे पास एक अल्कोहल है, अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं एसिटिक एसिड के साथ करवाते हैं, एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है हमने पढ़ा था, CH3COOH एसिटिक एसिड होता है, के साथ अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर बनेगा
C2H5OCOCH3। ये किस तरह से बनेगा, इसके स्ट्रक्चर को हम मजीद आपको डिटेल में बताते हैं। इसके साथ हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये जो है ये एक रिएक्शन इसके अंदर हमारे पास एक एसाइल ग्लिसरॉल बन गया। ये जो नया स्ट्रक्चर बना है, नया कंपाउंड बेसिकली बना है, इसको हम कहते हैं, ये कंपाउंड जो है ये हमारे पास एक एस्टर है। एस्टर क्या होता है मजीद हम आपको समझाएंगे तो आपको समझ आएगी। जब हम इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं, स्ट्रक्चर जब अल्कोहल कोई भी हमारे पास होता है उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाते हैं कि हमारे पास एक साइड पे कार्बन है और कार्बन के साथ एक OH ग्रुप अटैच है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। अब कार्बन ने, क्योंकि हम कहते हैं कार्बन जो है वो फोर बॉन्ड्स बनाते हैं, तो एक साइड पर तो ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और दूसरी साइड पे यहाँ पे ये एक और कार्बन के साथ अटैच है। इस कार्बन के साथ हम कहते हैं यहाँ पे थ्री जो है वो हाइड्रोजन अटैच है इस तरह से। और अब देखें इस कार्बन ने कितनी बॉन्ड्स बनाई, टू बॉन्ड्स, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन और एक यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ओवरऑल अगर हम इसको गिने तो ये क्या बन गया, दो कार्बन है हमारे पास C2 और पांच हमारे पास हाइड्रोजन है H5 और उसके साथ हमारे पास एक OH ग्रुप है। तो ये हमारे पास एक अल्कोहल बन गया। उसके बाद जब हम एसिटिक एसिड की बात करते हैं, एसिटिक एसिड लास्ट लेक्चर में भी हमने आपको एसिटिक एसिड जो है वो फैटी एसिड से जब हम एग्जांपल बता रहे थे तो आपको बताया था फिर एसिटिक एसिड के बारे में। एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि हमारे पास एक कार्बन है जिसके साथ तीन हमारे पास हाइड्रोजन है और उसके साथ एक और कार्बन है जिसके साथ डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन की और एक साइड पे हमारे पास ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास एसिटिक एसिड बन गया। जब ये दोनों कंबाइन करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, तो एक नया स्ट्रक्चर बनता है। वो स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है कि जो हमारे पास एसिड ग्रुप होता है, एसिड ग्रुप के अंदर से एक एच पॉजिटिव आयन जो है वो अलग हो जाता है और हमारे पास अल्कोहल ग्रुप में से एक OH आयन जो है, OH नेगेटिव आयन, वो अलग हो जाते हैं। ये आपस में जो है वो कंबाइन कर लेते हैं इस तरह से और एक नया स्ट्रक्चर बनता है। और नया स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, नए स्ट्रक्चर को हम आपको दोबारा बना के दिखा देते हैं। नया स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है कि हमने बनाया, सबसे पहले हमने एक अल्कोहल बनाया था। अल्कोहल का कैसा स्ट्रक्चर था, अल्कोहल का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, यहाँ पे हमने ऐसे और यहाँ पे हमने कार्बन बनाया था। उसके साथ हमारे पास यहाँ तो दो हाइड्रोजन अटैच था, यहाँ पे एक ऑक्सीजन अटैच था और उसके साथ हमारे पास एच ग्रुप अटैच था, कुछ इस तरह का था। लेकिन अब क्या हुआ, अब OH ग्रुप जो है वो कार्बन के साथ से खत्म हो गया। तो क्या बना, हुआ ये कि ये दोनों जब खत्म हो जाते हैं तो एसिड के अंदर से जो हमारे पास एक ऑक्सीजन है वो कंबाइन कर लेती है इसके साथ, यहाँ पे कार्बन की डबल बॉन्ड एंड देन अगेन यहाँ पे तीन हाइड्रोजन, यानी कि ये जो एसिटिक एसिड के अंदर से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और इस एसिटिक एसिड को हमने यहाँ पे आके इस अल्कोहल के साथ अटैच कर दिया। तो अब ये जो नया स्ट्रक्चर बना है हमारे पास, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास एक एस्टर बना है। और यही एस्टर जो है ये क्या है, ये हमारे पास एसाइल ग्लिसरॉल है। इसके स्ट्रक्चर को हम एक और एग्जांपल के साथ मजीद अच्छी तरह से समझते हैं। इसको मजीद इसको एक दफा आप रिवाइज कर लें। इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने ये पढ़ा कि हमारे पास एक अल्कोहल ग्रुप था C2H5। C2H5 का स्ट्रक्चर हमने आपको बना के बता दिया कि ये जो C2H5 है ये कंबाइन किया एसिटिक एसिड के साथ और इसके अंदर हुआ क्या कि एसिटिक एसिड में से एक H पॉजिटिव आयन और अल्कोहल ग्रुप में से OH नेगेटिव आयन जो है वो अलग हो गए। ये दोनों कंबाइन हुए और इसके साथ हमारे पास वाटर बनता है। ये दोनों कंबाइन करके वाटर बना देते हैं और पीछे जो स्ट्रक्चर बच गया, पीछे का जो स्ट्रक्चर उसमें होता ये है कि इस कार्बन के साथ से ये वाला जो OH ग्रुप रिमूव हो गया तो यहाँ से ये ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन कंबाइन कर लेती है, कंबाइन कर लेता है इस कार्बन के साथ। तो यहाँ से हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है, एस्टर जिसे हम कहते हैं। और वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, ये जो न्यू बॉन्ड बनी है वो बेसिकली ये वाली बॉन्ड बनी है और यहाँ से हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अलग हो गया और उसको हमने अलग से जो है ये यहाँ पे बना दिया। तो ये हमारे पास क्या बना, ये एसाइल ग्लिसरॉल बन गया। एसाइल ग्लिसरॉल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ये फैटी एसिड्स बनाते हैं, उन फैटी एसिड्स हमारे पास लिपिड्स बनते हैं, फैटी एसिड्स से ये बनता है और इससे हमारे पास लिपिड्स बनते हैं। मजीद एक और एग्जांपल से हम आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एसाइल ग्लिसरॉल जो है वो किस तरह से बनाए जाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग
लेट सपोज हम बनाते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लिसरॉल है. ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लिसरॉल है, जिसको हम लोग ट्राई ग्लिसराइड भी कहते हैं. ट्राई ग्लिसराइड, या फिर हम इसको न्यूट्रल लिपिड भी कहा जाता है. न्यूट्रल लिपिड, इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है. हमारे पास इंग्रेडिएंट्स, जैसे हम कोई रेसिपी बनाते हैं ना, उसके इंग्रेडिएंट्स लिखते हैं, तो इस तरह से आप इसको देख लें अपने याद करने के लिए कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए इसको बनाने के लिए. हमें चाहिए फैटी एसिड्स, तीन अदर फैटी एसिड चाहिए हमें, और हमें इसके साथ चाहिए एक ग्लिसरॉल और तीन फैटी एसिड हमें चाहिए. इन दोनों को अगर हम एक एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, होगा ये कि हमारे पास एक ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बनेगा. ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल और इसके साथ हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बनेगा. अब ये जो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन जिसे हमने देखा, इसका अगर हम स्ट्रक्चर बना के पढ़ लें तो हमें ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा. इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा. हमने कहा हमें तीन फैटी एसिड चाहिए, तो तीन फैटी एसिड्स को हम बना लेते हैं. फैटी एसिड हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में देखा था. फैटी एसिड हमने कहा था वो तमाम चीजें जिनके अंदर COOH प्रेजेंट हो, वो फैटी एसिड होंगे. तो तीन फैटी एसिड हमें चाहिए. कोई भी फैटी एसिड हम उठा लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने फैटी एसिड बना लिया ऐसे COOH, ये हमारे पास बन गया. इसके साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा ले, ये एक फैटी एसिड हो गया. एक और फैटी एसिड हमने ले लिया इस तरह से, और एक तीसरा फैटी एसिड. तीन फैटी एसिड हमने ले लिए. अब इन तीन फैटी एसिड के साथ हमने कंबाइन किसको करना है, हमने एक ग्लिसरॉल को कंबाइन करना है. ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर किस तरह का है, ग्लिसरॉल हमने आपको बताया कि वो एक अल्कोहल ग्रुप होता है. तो ग्लिसरॉल को हम इस तरह से बना लेते हैं, एक ऐसा ग्लिसरॉल हमारे पास जिसके अंदर एक कार्बन है और यहाँ पे हमारे पास OH ग्रुप अटैच है. इसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन एंड देन OH ग्रुप, देन वी हैव हाइड्रोजन एंड OH ग्रुप. इस तरह से कार्बन की फोर बॉन्ड्स आपने पूरी करनी है. तो इस तरह से हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया. इसमें है क्या, यहाँ पे हमारे पास है तीन फैटी एसिड, ये हमारे पास फैटी एसिड है, और ये हमारे पास एक ग्लिसरॉल है. ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे. अब ये कंबाइन किस तरह से करते हैं, कंबाइन इस तरह से करते हैं जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया कि जब भी हमारे पास फैटी एसिड होता है, एसिड हम कहते ही ऐसी चीजों को हैं जो कि एक एच पॉजिटिव आयन जो है वो लिबरेट कर सके, यानी कि अंदर से उनके अंदर से एच पॉजिटिव आयन जो है वो हम अलग कर सके, या जो कि एच पॉजिटिव आयन रिलीज कर देती हैं चीजें, हम उनको कहते हैं कि वो एक एसिड है. तो जब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, यहाँ से हम अगर एक एच पॉजिटिव आयन एच जो है, सॉरी ये एसिड है हमारे पास, तो इस एसिड में से हमने एक एच निकाल लिया, और हमारे पास अल्कोहल से अगर हम OH अलग कर लें जैसा कि हमने अपने पिछले स्ट्रक्चर में किया था, इसी तरह इसमें से भी ये एक एच निकाल लें, यहाँ से हम OH निकाल लेते हैं, और यहाँ से हम एक एच अलग कर लें, यहाँ से OH अलग कर लें. तो यहाँ से बेसिकली हमने क्या किया कि तीन वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ सकते हैं अगर हम यहाँ से इनको यहाँ से सेपरेट कर लें. तो होगा क्या कि जब हम फैटी एसिड का रिएक्शन कराएंगे ग्लिसरॉल के साथ, तो हमारे पास रिजल्ट में एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, और वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा कि उसके अंदर, इसी को हम दोबारा से बना लेते हैं अपने समझने के लिए. हमारे पास एक आर ग्रुप था यहाँ पे, इस आर के साथ एक कार्बन अटैच है, दो ऑक्सीजन अटैच, एक ऑक्सीजन यहाँ पे. अब क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम देखें वो से, तो हमारे पास H और यहाँ से OH खत्म हो गया. जब ये रिमूव हो जाते हैं तो ये वाला जो ऑक्सीजन है हमारे पास, ये बॉन्ड बना लेता है इस वाले कार्बन के साथ, यानी कि ये यहाँ पे एक नई बॉन्ड बन जाती है. वो किस तरह से बनती है, उस नई बॉन्ड को हम यहाँ पे आपको बना के दिखाते हैं कि ऐसी एक बॉन्ड बनती है, और
ये जो दो मॉलिक्यूल्स अलग अलग थे अब वो एक मॉलिक्यूल बन जाते हैं इस तरह से। और फिर इसके साथ क्या होगा, इस कार्बन के साथ एक और कार्बन अटैच है, एक साइड पे तो इसके हाइड्रोजन है, एक साइड पे ऑक्सीजन, एंड देन यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और यहाँ पे कोई भी आर ग्रुप। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की, और यहाँ पे हमारे पास कोई भी आर ग्रुप। तो ये जो हमारे पास नया स्ट्रक्चर बने बेसिकली न्यू स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये हमारे पास ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बन गया है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, यानी जिसको हमने कहा ट्राइग्लिसराइड भी हमने जिसको कहा, तो ये हमारे पास बन गया है। और जो न्यू बॉन्ड बनी है बेसिकली वो यहाँ पे और यहाँ पे एक नई बॉन्ड बन गई है, और ये जो नया स्ट्रक्चर है इसको हम एस्टर भी कहते हैं, एस्टर। और जो नई जो बॉन्ड है, ये वाली जो बॉन्ड है बेसिकली, ये हमारे पास इसको हम कहते हैं ये एस्टर बॉन्ड बनी है। तो इस तरह से हमारे पास ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बनते हैं। और ये हमने क्या पढ़ा, अभी हमने डिस्कस किया फैटी एसिड्स के या लिपिड्स के बेसिकली फर्स्ट ग्रुप को जो कि थे एसाइल ग्लिसरॉल। इसके बाद जो सेकंड ग्रुप आता है हमारे पास उसे हम कहते हैं, वो है वैक्सेस।